तो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग लता शर्मा। कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है बच्चों की छुट्टी और आज कुछ घर में स्पेशल बनने वाला है और बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का दिन कैसे गुजरता है। गाइस, अभी हम लोग आपसे मिलते हैं, अपना थोड़ा बहुत काम करके, मतलब नहा धो के खाना पीना खा के आप लोगों से मिलते हैं। तो तब तक चैनल पर बने रहें, तब तक आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज गो। ये देखिए आप लोग, कितनी खतरनाक वाली बारिश हो रही है, पानी पूरा भर गया है। रात से बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा बारिश। अरे भगवान। यो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का दिन भी ऐसे ही रोज की तरह शुरुआत हो गई है। तो अभी तो मैं सो के उठ गया हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत टाइम में हम अभी नहाएंगे धोएंगे और मम्मी यहाँ पे बैठी हैं। तो हेलो मम्मी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग लता शर्मा। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है प्रज्ञान की छुट्टी और इधर हो रहा है बारिश का मौसम। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ खतरनाक वाली बारिश हो रही है। देखो, खतरनाक वाली बारिश हो रही है। मैं कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आज मैं सोच रही हूँ, बच्चों की छुट्टी है और बारिश का मौसम भी है, तो क्यों ना कुछ गर्मा गर्म हो जाए। तो बनाते हैं कुछ आज अपनी किचन में, देखते हैं क्या करते हैं। तो दोस्तों, बनाते हैं कुछ अपनी किचन में जाकर देखते हैं। प्रज्ञान, आज छुट्टी है तो आज हमें छुट्टी में क्या बनाना चाहिए? आलू के पकौड़े। क्या बात है। चलो दोस्तों, देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में कुछ गर्मा गर्म हो जाता है तो उसका बहुत बढ़िया लगते हैं, आनंद कुछ अलग ही होता है। तो आइए आपके साथ मिलके हम बनाते हैं पकौड़े और आप लीजिए आनंद। तब तक वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, आज मैंने मम्मी से पकौड़े बनवाए थे और मम्मी ने बहुत सारे पकौड़े बना लिए और बहुत मस्त लग रहे हैं खाने में। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये हमारा ग्रीन चिली सॉस और मम्मी ने अलग तरह की चटनी बनाई है और ये हमारे आलू और बेसन के पकौड़े, बहुत टेस्टी हैं, आप भी अपने घर पर ट्राई करना। लेट्स गो। तो ये हैं दोस्तों हमारे गर्मा गर्म पकौड़े। तो आइए चलते हैं प्रज्ञान के पास। प्रज्ञान, कैसे लग रहे हैं पकौड़े खाने में? गाइस, पकौड़े बहुत टेस्टी हैं। आज मैंने मम्मी से बोला था कि अब बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पकौड़े ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने मम्मी को बोला पकौड़े बनाओ, तो लिटरली ऑसम है। तो गाइस, देख सकते हो कितनी जोर से बारिश हो रही है इधर पर, सुबह से ही बारिश है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतनी ज़्यादा बारिश है दोस्तों, आज हम घर से बाहर नहीं निकले और इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से आज लाइट भी कट कर रखी है। तो हम बैठकर वेट कर रहे हैं कब लाइट आए और कब हम सोएं या अपने कुछ अधूरे काम हैं उन्हें पूरे करें। खाना पीना हमारा हो चुका है। तो दोस्तों, हम आपस में ही बात करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत थोड़ा बोरिंग ही रहा, क्योंकि पूरा दिन थोड़ी देर के लिए होती है तो थोड़ा बहुत अच्छी लगती है बारिश, बट पूरे दिन करे भी तो क्या, क्योंकि डेली काम से हम इतना बोर नहीं होते, बट एक साथ एक पास बैठ के पूरा दिन बोरिंग हो जाता है। तो प्रज्ञान, आज का दिन कैसा गुजरा? आज के दिन के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ना भैया, मैं कुछ ना कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं लाइट आने का इंतजार और फिर सोएंगे और कल सुबह देखेंगे। प्रभु सबको अच्छा रहे रखे, आपको भी अच्छा रहे, आप जहाँ से भी हो अच्छे हो, भगवान आपको हमेशा खुश रहे। इसी कामना के साथ आज के वीडियो की एंडिंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।